लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। चलते हैं मेहनत की राहों में विजेता हमेशा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम टोक्यो ओलंपिक 2020 के संपूर्ण पहलुओं तथा भारत के स्वर्णिम ऐतिहासिक सफर और पदक विजेताओं की पूरी डिटेल फैक्ट के साथ अध्ययन करेंगे। आगामी एग्जाम में ओलंपिक से प्रश्न आना 100% श्योर है, तो आप एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, आपका एक भी प्रश्न एग्जाम मिस नहीं होगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं। 2020 में होने वाले ओलंपिक का आयोजन 2021 में किया गया, तो आप इसको टोक्यो ओलंपिक 2020 या टोक्यो ओलंपिक 2021 संबोधित कर सकते हैं। ये 32वां ओलंपिक था जिसका आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। टोक्यो ओलंपिक की मेजबानी दूसरी बार किया है, इससे पहले 1964 में मेजबानी कर चुका है। अगला ओलंपिक यानी कि 33वां ओलंपिक का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 में किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक किया गया, जिसका थीम सॉन्ग कलरफुल रखा गया था। इस ओलंपिक का आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाई इमोशंस था, जिसका अर्थ होता है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, साथ में था टूगेदर। इस ओलंपिक का शुभंकर था मिराई तोवा। इस बार के ओलंपिक में 5 नए गेम्स को शामिल किया गया, जिसमें सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल, जो 13 साल बाद वापसी किया है, को शामिल किया गया। कुल 205 देश के 33 खेल 339 इवेंट्स में 11,000 से अधिक एथलीट ने हिस्सा लिया है। 340 गोल्ड मेडल, 338 सिल्वर मेडल और 402 ब्रांज मेडल खिलाड़ियों ने जीते हैं। बात करते हैं पदक तालिका की। पदक तालिका में 39 गोल्ड के साथ अमेरिका पहले नंबर पर रहा, जो 39 गोल्ड, 41 रजत और 33 कांस्य पदक जीता है। दूसरे नंबर पर 38 गोल्ड के साथ चीन दूसरे नंबर पर रहा, जो 38 गोल्ड, 32 रजत और 18 कांस्य पदक जीते हैं। जबकि तीसरे नंबर पर 27 गोल्ड के साथ जापान रहा है, जो 27 गोल्ड, 14 रजत और 17 कांस्य पदक जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक गोल्ड मेडल महिला में एम्मा मैकान और पुरुष में कालेब ड्रेसेल, जो अमेरिकी तैराक है, ने जीता है। इस ओलंपिक में सबसे कम उम्र खिलाड़ी हैंड जाजा रहे, जो सीरिया के 12 वर्ष के टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी मेरी हाना रहे, जो ऑस्ट्रेलिया के 66 वर्ष घुड़सवार हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत के स्वर्णिम सफर के बारे में बात करते हैं। भारत की तरफ से सबसे बड़ा दल टोक्यो पहुंचा था, जिन्होंने कुल 18 स्पोर्ट इवेंट में हिस्सा लिया है। कुल 121 खिलाड़ियों में 53 महिला और 68 पुरुषों ने भाग लिया है। भारत 25वीं बार, याद रखिए 25वीं बार ओलंपिक में हिस्सा लिया है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल के लिए थीम सॉन्ग बनाया गया था, जिसके बोल थे तू ठान ले लक्ष्य तेरा सामने है। इसे गायक मोहित चौहान थे, और एक चीयर्स गीत भी गाया गया था, जिसके बोल थे हिंदुस्तानी वे। इसके गायक थे AR रहमान। इस ओलंपिक में सबसे ज़्यादा हरियाणा से 31 खिलाड़ी, पंजाब से 19 और तमिलनाडु से 11 खिलाड़ी शामिल हुए। भारत के लिए यह ओलंपिक ऐतिहासिक रहा, क्योंकि अब तक के इतिहास में भारत ने इसी ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ अपना प्रदर्शन किया है। लंदन ओलंपिक 2012 में बेस्ट प्रदर्शन 6 मेडल के रिकॉर्ड को पीछे कर दिया। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जिसमें से 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक, कुल 7 पदक जीते हैं, जो अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ रहा है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान 48वां रहा। अब तक भारत ने कुल 35 पदक जीते हैं, जिसमें से 10 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 16 कांस्य पदक शामिल है। पदक तालिका में भारत इस बार 48वें स्थान पर है, जो 41 साल बाद टॉप 50 में है। ओलंपिक इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ पदक इसी बार जीते हैं। 1980 के मास्को ओलंपिक में भारत पदक तालिका में 23वें नंबर पर था, उसके बाद कभी भी टॉप 50 में नहीं रहा है। एक और ख़ास बात देखते हैं, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज फेंसर भवानी सिंह बनी है। इससे पहले कभी भी भारत की तरफ से तलवारबाजी में किसी ने ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं किया था। बात करते हैं ओलंपिक उद्घाटन समारोह की। इस समारोह में भारतीय ध्वजवाहक मुक्केबाज MC मैरीकॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह रहे। मार्च पास्ट में भारत 21वें नंबर पर था, जबकि ग्रीस पहले और जापान अंतिम नंबर पर थे। टोक्यो ओलंपिक क्लोजिंग सेरेमनी यानी समापन समारोह में 10 भारतीय एथलीटों ने हिस्सा लिया है। कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया ने समापन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की है। भारतीय ओलंपिक समिति ने स्वर्ण पदक विजेता को 75 लाख रुपये, रजत पदक विजेता को 40 लाख रुपये तथा कांस्य पदक विजेता को 25 लाख रुपये नगद राशि देने की घोषणा की है।
तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। दोस्तों हम बात कर रहे हैं भाला फेंक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाकर गौरवान्वित करने वाला नीरज चोपड़ा की, जिनका जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत जिले के खंडरा गांव में हुआ था। वे भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत हैं। इनके कोच नसीम अहमद और क्लास बर्टोनिएट्स हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारे वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा ट्रैक और फील्ड एथलीट प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले जेवलिन थ्रोअर हैं। अगर प्रश्न में आए कि ट्रैक और फील्ड में किसने गोल्ड मेडल दिलाया, तो आप नीरज चोपड़ा ही डालेंगे। अगर आए एथलीट में किसने पहला स्वर्ण पदक दिलाया, तब भी आप नीरज चोपड़ा डालेंगे। अगर जैवलिन थ्रोवर लिखा रहे, अगर भाला फेंक लिखा रहे, सभी का उत्तर एक ही होगा, नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक दिलाकर भारत को गौरवान्वित किया है। वे 87.58 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीते हैं। व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ उनका पहले 87.07 मीटर था, जो अब 87.58 मीटर हो गया है। ये भारत का ट्रैक एंड फील्ड में पहला गोल्ड मेडल है। ओलंपिक की 16वें दिन यानी कि 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए स्वर्ण मेडल जीता है। 121 साल के इतिहास में भारत का एथलेटिक्स में पहला मेडल है। ओलंपिक गेम्स में 13 साल बाद भारत को किसी इवेंट में गोल्ड मेडल मिला है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। भारत का अब तक का यह 10वां गोल्ड है। इससे पहले हॉकी में 8 और शूटिंग में 1 गोल्ड मेडल जीते थे। यह भारत का सिर्फ दूसरा इंडिविजुअल गोल्ड मेडल है। पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा और दूसरा है नीरज चोपड़ा। ओलंपिक के पदक के अलावा नीरज चोपड़ा की अन्य उपलब्धियां भी देख लेते हैं। एशियाई खेल 2018, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018, एशियाई चैंपियनशिप 2017 और दक्षिण एशियाई खेल 2016 में इन चारों में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2016 में स्वर्ण पदक, अंडर 16 नेशनल जूनियर चैंपियनशिप 2012 में भी स्वर्ण पदक जीते हैं। नीरज चोपड़ा को भारत सरकार द्वारा 2018 में अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं भारत के रेसलर पहलवान जो फ्री स्टाइल कुश्ती 65 किलोग्राम वर्ग में भारत को कांस्य पदक दिलाए हैं। इनका जन्म 26 फरवरी 1994 को हुआ था। वे हरियाणा के झज्जर जिले के खुदन गांव के निवासी हैं। वर्तमान में भारतीय रेलवे में वे राजपत्रित अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। बजरंग पुनिया ने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में 65 किलोग्राम वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में भारत के लिए कांस्य पदक जीते हैं। कजाकिस्तान के डाउलेट नियाजबेको को 8-0 से एक तरफा हराकर इतिहास रचा है। स्वर्ण जापान और रजत पदक अजरबैजानी खिलाड़ी को प्राप्त हुआ है। ओलंपिक के अलावा बजरंग पुनिया की अन्य उपलब्धियां भी देख लेते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया ने 1 सिल्वर 2 ब्रांज मेडल जीते हैं। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। एशियन गेम्स में भी 1 गोल्ड और 1 सिल्वर पदक जीते हैं। बजरंग पुनिया को भारत सरकार द्वारा 2015 में अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2019 में पद्मश्री सम्मानित किया गया, जबकि 2019 में ही भारत के सबसे बड़े खेल अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड को पाने वाले वे पहले कुश्ती खिलाड़ी हैं भारत के। अब बात करते हैं भारत के प्रसिद्ध रेसलर पहलवान रवि दहिया की, जिन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में ओलंपिक में भारत को रजत पदक दिलाया है। इनका जन्म 12 दिसंबर 1998 को हरियाणा के सोनीपत के नाहरी नामक स्थान में हुआ है। रवि दहिया के कोच सतपाल सिंह और राजीव तोमर हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में रवि दहिया ने रजत पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया है। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी कुश्ती में गोल्ड मेडल के लिए लड़ते हुए रूसी पहलवान जावूर युगवेव से फाइनल में हारकर रजत पदक प्राप्त किया है। कजाकिस्तान के नूरिस्लाम सानायेव को हराकर फाइनल में पहुंचे थे रवि दहिया। ओलंपिक में सिल्वर मेडल हासिल करने वाले भारत के दूसरे पहलवान तथा पदक जीतने वाले पांचवें पहलवान बने हैं। इससे पहले सुशील कुमार ने 2012 में रजत पदक जीता था तथा केडी जाधव, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक ने कुश्ती में पदक जीते हैं। साक्षी मलिक भारतीय इतिहास में ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र महिला पहलवान है। ओलंपिक में रजत पदक जीतने के अलावा रवि दहिया की अन्य उपलब्धियां भी देख लेते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2019 में 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीते थे। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट हैं। 2020 में नई दिल्ली में आयोजित 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके अलावा 2021 में अल्माटी जो कजाकिस्तान में स्थित है में स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं।
इसके अलावा 2019 में वर्ल्ड चैंपियन इवेंट में 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक, 2018 में बुखारेस्ट में अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम वर्ग में ही रजत पदक, 2015 में विश्व जूनियर चैंपियनशिप में 18 वर्ष की उम्र में 55 किलोग्राम वर्ग में फ्री स्टाइल कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीते थे। अब बात करेंगे ओलंपिक में 8 बार के गोल्ड मेडलिस्ट और लगातार 6 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय पुरुष हॉकी टीम जिन्होंने ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को 5-4 से हराकर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। ओलंपिक इतिहास में 41 साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने कोई पदक जीता है। 1980 के मास्को ओलंपिक के बाद ये भारतीय हॉकी टीम को पहला पदक मिला है। ओलंपिक में भारत में सबसे ज़्यादा मेडल हॉकी से ही आए हैं। कुल प्राप्त 35 पदकों में से 12 पदक हॉकी से हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान वर्तमान में मनप्रीत सिंह हैं जो मिडफील्डर हैं, उपकप्तान वीरेंद्र लांगड़ा जो डिफेंडर हैं और हरमनप्रीत सिंह हैं। भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड हैं तथा सहायक कोच पीयूष दुबे। ओलंपिक खेलों में हॉकी को शामिल 1908 में किया गया था जबकि भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक 1928 से भाग लिया था। ओलंपिक हॉकी में लगातार 6 बार स्वर्ण पदक भारतीय हॉकी टीम ने जीते हैं जो दुनिया की पहली टीम है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की ओलंपिक में जो सफर है, जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1928 एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्वर्ण पदक से प्रारंभ किया था। उसके बाद 1932 लॉस एंजलिस जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है वहाँ भी स्वर्ण पदक। उसके बाद 1936 बर्लिन जर्मनी में स्वर्ण पदक, 1948 लंदन में स्वर्ण पदक, 1952 फिनलैंड में स्वर्ण पदक, 1956 मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण पदक। इस तरह लगातार 6 बार स्वर्ण पदक ओलंपिक में हॉकी टीम ने जीता है जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। इसके बाद 1960 रोम इटली में रजत पदक, 1964 टोक्यो जापान में स्वर्ण पदक, 1968 मैक्सिको में कांस्य पदक जीते हैं। इसके अलावा 1972 में आयोजित म्यूनिक जर्मनी में ओलंपिक में कांस्य पदक, 1980 मास्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके बाद 41 सालों के बाद 2020 में टोक्यो जापान में कांस्य पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया है। अब बात करेंगे ओलंपिक 2021 में भारत को मुक्केबाजी में कांस्य पदक दिलाने वाली लवलीना बोरगोहेन की। ये गोलाघाट असम की निवासी हैं जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1997 हुआ था। ये भारतीय मुक्केबाज है जो 69 किलोग्राम वर्ग मुक्केबाजी में भारत को कांस्य पदक दिलाए हैं। टोक्यो ओलंपिक में लवलीना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीती है। ओलंपिक बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना भारत की दूसरी महिला बन गई है। लवलीना बोरगोहेन 69 किलोग्राम वर्ग मुक्केबाजी में विश्व चैंपियन में बुसानेज सुरमेनली से सेमीफाइनल में हार कर कांस्य पदक प्राप्त की है। इससे पहले 2012 ओलंपिक में भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम ने मुक्केबाजी में पहला पदक जीती थी। बॉक्सर विजेंद्र कुमार ने 2008 और एमसी मैरीकॉम ने 2012 में पदक जीते थे। उसके बाद बॉक्सिंग में भारत के लिए पदक जीतने वाली लवलीना तीसरी भारतीय हैं व महिला में दूसरी महिला खिलाड़ी हैं। इसकी विशेष बात देखते हैं, लवलीना टोक्यो जाने वाली भारतीय महिला टीम के सबसे युवा सदस्य रही हैं। लवलीना के अन्य उपलब्धियां देखते हैं, 2018 इंडियन ओपन में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियन वेल्टरवेट श्रेणी में स्वर्ण पदक प्राप्त की है। इसके अलावा 2017 में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में वियतनाम में कांस्य पदक जीती हैं। इसके अलावा 2017 में प्रेसिडेंट्स कप अस्थाना में कांस्य पदक, 2018 में मंगोलिया के उलानबातर में रजत पदक, 2018 में 13वीं अंतर्राष्ट्रीय सिलेशियन चैंपियनशिप पोलैंड में कांस्य पदक प्राप्त की है। अब बात करते हैं लगातार 2 ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की, जिन्होंने बैडमिंटन में भारत को कांस्य पदक दिलाई है। इनका जन्म 5 जुलाई 1995 को हुआ था। वे 26 वर्ष के हैं। इनका पूरा नाम पुरसल्ला वेंकट सिंधु हैं। ये तेलंगाना के हैदराबाद की निवासी हैं जो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु के कोच पार्क ताई सेंग हैं जो भारत के राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच भी हैं। सिंधु के पहले कोच, सबसे पहले कोच पुलेला गोपीचंद थे। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन में महिला एकल वर्ग में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीतकर भारत का सम्मान बढ़ाया है। ओलंपिक बैडमिंटन में भारत को यह 3रा पदक है। पीवी सिंधु लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला व दूसरी भारतीय खिलाड़ी हैं। इंडिविजुअल गेम में ऐसा करने वाली पहली महिला है। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने के अलावा 2016 में आयोजित रियो ओलंपिक में मेडल जीत चुकी हैं। वर्ल्ड चैंपियन जीतने वाली पहली भारतीय शटलर भी हैं। भारतीय पहलवान सुशील कुमार बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य पदक और लंदन ओलंपिक 2012 में
रजत पदक जीतकर ओलंपिक में दो व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। इसके अलावा साइना नेहवाल लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक के साथ ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी थी। भारत सरकार द्वारा पीवी सिंधु को बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2016 में भारत के सबसे बड़े खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, 2015 में पद्मश्री और 2013 में अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है। टोक्यो में जीते कांस्य पदक के अलावा पीवी सिंधु की अन्य उपलब्धियां भी देख लेते हैं। ओलंपिक 2016 रियो ओलंपिक में महिला एकल में रजत पदक, विश्व चैंपियनशिप 2019 बेसल महिला एकल में स्वर्ण पदक, 2018 में महिला एकल में रजत पदक, 2017 ग्लासगो में महिला एकल में रजत पदक, 2014 कोपेनहेगन में आयोजित महिला एकल में कांस्य पदक, 2013 ग्वांगझू में महिला एकल में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। इसके अलावा उबेर कप, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशिया चैंपियनशिप, दक्षिण एशियाई खेल, एशियाई जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसके अलावा कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स में कई पदक अपने नाम किए हैं। हमारे इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल अभ्यस्त एकेडमी पर अवेलेबल है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से प्राप्त कर अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीतकर भारत का सम्मान बढ़ाने वाली भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी मीराबाई चानू की, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतकर भारत का सम्मान बढ़ाया है। इनका पूरा नाम सेखोम मीराबाई चानू है, जिनका जन्म 8 अगस्त 1994 को इम्फाल मणिपुर में हुआ था। वे वर्तमान निवासी असम की हैं। ये भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं जो 48 किलोग्राम वर्ग में भारत को रजत पदक दिलाई है। मीराबाई चानू के कोच कुंजरानी देवी और विजय शर्मा हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में 49 किलोग्राम वर्ग में भारोत्तोलन ने भारत को रजत पदक दिलाकर भारत को सम्मानित किया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाकर भारत के लिए खाता खोलने वाली मीराबाई चानू ही हैं। टोक्यो ओलंपिक में स्नेच में 87 किलोग्राम भार उठाते हुए क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम सहित कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया है। चीन की होई जिहोई ने 210 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम की है। मीराबाई चानू का राष्ट्रमंडल खेलों में 186 किलोग्राम वर्ग का रिकॉर्ड था, जिसे तोड़कर 202 किलोग्राम स्थापित किया है। भारत के लिए भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली यह प्रथम महिला है। वेट लिफ्टिंग में पदक जीतने वाली भारत की दूसरी महिला है। भारोत्तोलन में 21 वर्ष बाद भारत को पदक मिला है। सिडनी ओलंपिक 2000 में भारतीय वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के लिए वेट लिफ्टिंग में पहला पदक कांस्य पदक जीती थी। मीराबाई को प्राप्त हुए सम्मान के बारे में बात करते हैं। मणिपुर सरकार ने 1 करोड़ रुपया कैश तथा एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ASP बनाए जाने की घोषणा किए हैं। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से 2018 में सम्मानित किया गया था। 2018 में ही मीराबाई चानू को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ओलंपिक पदक के अलावा मीराबाई चानू की अन्य उपलब्धियां भी देख लेते हैं। विश्व चैंपियनशिप 2016 में जो संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया था, 48 किलोग्राम वर्ग भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीती हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2018 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक और राष्ट्रमंडल खेल 2014 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो में टोक्यो ओलंपिक के संपूर्ण पहलुओं को कवर किए हैं, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।